तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। तो होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। और मेरे पास आए थे यहाँ पे कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स, जहाँ पे लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर, जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं या फिर टीवी चैनल्स वाले, वो भी क्या हमारी तरह स्ट्रीम लैब या फिर OBS से स्ट्रीमिंग करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, वो लोग OBS या स्ट्रीम लैब्स का यूज़ बिल्कुल नहीं करते स्ट्रीमिंग के लिए। वो लोग अलग करते हैं कुछ और तरीके के ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर, जो कि काफ़ी प्रोफेशनली बने होते हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उन्हीं में से एक ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि स्पेशल बने हुए हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए। अब उन सॉफ्टवेयर में खासियत क्या होती है, उनमें जो हम लोग आता नहीं ब्रेकिंग न्यूज़ वाला, अगर हम इस चीज़ को OBS में करने जाएं, तो OBS में हम करने जाएंगे तो उसके लिए हमें पहले क्रोमा की वाला ग्रीन स्क्रीन तैयार करना पड़ेगा, उसमें हम टाइटल्स लिखेंगे, फिर उसको मूवमेंट देंगे, फिर लेके आएंगे OBS में और फिर चलाएंगे। बट जो ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें इन तरीके का कोई भी झंझट झमेला नहीं होता, हम लोग ऑन द स्पॉट वहाँ पे एडिट करके उसे पब्लिश कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे संवाददाता को लाइन पे लेते हैं, बोलते नहीं कि हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं, एक मुंबई से जुड़ चुका और एक कहीं और से जुड़ चुका है, तो वहाँ पे आप कैसे कर सकते हो। मल्टी फ्रेम भी आप बना सकते हो, जैसे लड़ाते नहीं, एक नेता को इधर बिठा दिया, दूसरे को इधर बिठा दिया, जंग करवा दो दोनों में, तो वो चीज़ें भी कैसे करते हैं, वो सभी चीज़ें भी आपको दिखाने वाला। इसके अलावा क्रोमा की स्टूडियो सेटअप, बहुत कुछ है यार दिखाने को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ये वीडियो है भाई डिमांड पे, तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप लाइक करते हो तो उसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपन करेंगे आप ब्राउज़र, कोई भी ब्राउज़र आप चूज़ कर सकते हो। मैं ब्रेव ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, ये वाला मुझे पसंद है। और यहाँ पे google.com ओपन करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे वीमिक्स। आपको ये वाली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी जिस पे लिखा रहेगा लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर, और इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है प्रोडक्शन के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, ना फलाना ढिमकना, मतलब बहुत सी चीज़ों के लिए ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। बहुत न्यूज़ चैनल टीवी चैनल वाले इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। हालांकि ये जो सॉफ्टवेयर है वो पेड है, बट आज आपको मैं इसका फ्री ट्रायल वर्जन दिखाने वाला हूँ। और अगर आप विंडो यूज़र हो तो आपको भाई पता होना चाहिए कि फ्री वाले सॉफ्टवेयर कहाँ से लिए जाते हैं। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं फटाफट। यहाँ पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड करते हैं और इसे फाइल को सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद फाइल को हम लोग डेस्कटॉप पे ड्रैग कर लेते हैं। तो ये हमारी जो फाइल आ चुकी है यहाँ पर, अब इसको हम लोग डबल क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करना तो आप लोगों को आता ही होगा, सिंपल आपने यस करना है, जो भी परमिशंस मांगे वो आपने देते रहने इसको। तो यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट 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 करते जाओ, आई एक्सेप्ट करो, नहीं नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे अगेन यस कर दीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और अगेन नेक्स्ट और इंस्टॉल। ठीक है, तो इतना करने के बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दूँ। इस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए आपको कम से कम SSD चाहिए होगी 240 GB की, और उसके साथ ही आपको i5 का प्रोसेसर, साथ में 8 GB की रैम प्लस 4 GB का ग्राफिक कार्ड, ये सभी चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड हैं। अगर आप इससे कम है आपके पास तो भी आप ट्राई कर सकते हो, बट उसमें आपको ये वाली परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी जो रिकमेंडेड में आपको देखने को मिलती है। तो कोशिश करना कि 8 GB वाले रैम वाले में ट्राई करना, और SSD तो भाई मतलब रिक्वायर्ड ही है, उसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते हो, SSD के बिना तो चलेगा ही नहीं। तो SSD मतलब रखना मेन इम्पॉर्टेंट आपके लिए। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ऑलमोस्ट हो चुका है इंस्टॉल। तो यहाँ पे जितनी भी फाइल्स थी वो बड़ी आसानी सोच के, मुझे लगा थोड़ी बहुत ही दिक्कत देगा, बट ये चल रहा है सही तरीके से। ओके, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंस्टॉल मैजिक UV लॉसलेस कोडेक। अब इसको आपने ज़रूर से इंस्टॉल करना है, कई बार फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह होते हैं या फिर क्वालिटी को अप डाउन का इशू होता है तो ये सही कर देता है। तो सिंपल आप यहाँ पे आइए, एक्सेप्ट कीजिए और यहाँ पे नेक्स्ट 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 करते जाइए, और मतलब बड़ी आसानी से ये वाला भी इंस्टॉल हो जाएगा। अब रीडमी तो हमें देखना नहीं है, तो सिंपल फिनिश करते हैं। अब ये वाला आपका सॉफ्टवेयर जो वीमिक्स है ये ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके के, और ये वाला इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ब्लैंक ब्लैंक और मतलब सभी कुछ ब्लैंक है। तो चलिए कुछ वीडियोस को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, पहले इसमें यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, उसके बाद सेकंड वीडियो को यहाँ पे करते हैं। सेकंड वीडियो कौन सी ले, ये वाली ले लेते हैं। तो चलिए इसको कहाँ लगाते हैं, यहाँ पे सेकंड नंबर पर, और एक और वीडियो रखते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए तीन वीडियो के साथ। तो ये सभी मेरी YouTube की वीडियोस है, और मैं गाने गुने तो रखता नहीं, ना ही मुझे कॉपीराइट लेके आना है, तो मैं ये वाली वीडियोस ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो ये तीन वीडियोस यहाँ पे हो गए। मैं इसको थोड़ा ऊपर उठा देता हूँ, मतलब ये बताना चाहता हूँ ना आपको कि यहाँ पे आप बहुत सारी वीडियोस लगा चाहते हो, चाहे 100 वीडियो लगा लो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो राइट में आपकी जो हो जाएगा ये आपका मास्टर वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल के लिए मिक्सर है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में वीडियोस। अब आपको कुछ सेटिंग्स दिखाऊं, तो यहाँ पे सेटिंग आपने करनी है, थीम आप बदल सकते हो जो भी जिस तरीके की आप रखना चाहते हो, और इसके नीचे आपको मास्टर फ्रेम रेट देखने को मिलेगा।
अब आपको मैं पुरानी बात बताऊं तो जो पुरानी फिल्म्स होती थी टीवी चैनल पे, हमारे जो सीआरटी टीवी आते थे वहाँ पे आपको 24 फ्रेम्स वाले जो मतलब वीडियोस देखने को मिलती थी। अब जो अभी के टाइम पे चल रहे हैं वो 50 फ्रेम्स वाले चल रहे हैं, यानी कि फुल एचडी पे जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये वाला सॉफ्टवेयर जो सपोर्ट करता है वो 4K तक का सपोर्ट करता है। तो आप मतलब मैं यहाँ पे पाल 50 रख रहा हूँ यानी कि एचडी तक, और यहाँ पे आप रेजोल्यूशन देखो 4K तक लेके जा सकते हो। आउटपुट में आप देख लेना जिस तरीके का आप रखना चाहते हो रख सकते हो, फुल स्क्रीन के 2 मॉनिटर यहाँ पे आप लगा सकते हो, इससे ज़्यादा भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो आउटपुट का आप देख लेना यहाँ पे जो भी देना चाहते हो, किस तरीके से फ्रेम मतलब मल्टी व्यू ये सब। और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी जो कि काफ़ी छोटी छोटी सी, और अगर मैं आपको बताने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। यहाँ पे आपको ग्राफिक कार्ड्स के बारे में डिटेल दे देगा कि मतलब आपका ग्राफिक कार्ड कौन सा है, सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा। और यहाँ पे डिकोडर्स की बात करूँ तो आपको MPEG का जो मिल जाएगा डिकोडर, और यहाँ पे आपको बता देगा कौन कौन से फॉर्मेट सपोर्ट हैं। अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ पे अपना ऐड भी कर सकते हो। अब रिकॉर्डिंग की बात करें तो रिकॉर्डिंग सिंपल सा, आपको पता है रिकॉर्डिंग आप कहाँ पे रखना चाहते हो। और उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक्सटर्नल आउटपुट जो भी आप लगाना चाहते हो आप इसमें बड़ी आसानी से लगा सकते हो, मतलब 2 यहाँ पे सपोर्ट करता है। और ऑडियो की बात करें यहाँ पे इनपुट के बारे में तो ऑडियो इनपुट लगा सकते हो, और यहाँ पे ऑडियो आउटपुट दे सकते हो, जहाँ जहाँ पे भी आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। तो मिक्सर वगैरह लगते हैं इसके साथ, फिलहाल मेरे पास है नहीं। और यहाँ पे अगर बात करें तो आपको वेबसाइट का एड्रेस, ये मतलब ये ब्रॉडकास्टिंग के टाइम यूज़ होता है, अभी हमारा इसका कोई भी काम नहीं है। आप API लगा सकते हो, टैली मतलब ये सभी चीज़ें जो सब टैली के शॉर्टकट्स हैं, तो इन सबको हटाओ यहाँ से। और यहाँ पे आप देखोगे तो आप यहाँ पे कीबोर्ड कंट्रोल रख सकते हो, जैसे कि कीबोर्ड्स के शॉर्टकट रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप स्क्रिप्ट्स वगैरह रख सकते हो, जो भी आप स्क्रिप्ट रखना चाहते हो दिखाना चाहते हो। और उसके अलावा आप यहाँ पे अलर्ट्स रख सकते हो, मतलब अगर आपकी वीडियो कहीं रुक रही है, हैंग हो रही फलाना ढिमकना, तो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो अब यहाँ पे आपका ट्रायल वर्जन है तो ये सब चीज़ें तो बताने की ज़रूरत नहीं है, या आपको पता ही होगा कि हमारा जो 4K तक सपोर्ट करता है, तो इसे करते हैं हम लोग ओके। उसके बाद आपको कुछ और यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स आपको मैं दिखाऊं तो जो वीडियो की सेटिंग्स होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 वीडियोस लगाई हुई है, 3 वीडियोस लगाने के बाद यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब ये वाला सेटिंग का ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको बता दूँ कि जब भी मतलब मीडिया वालों को कोई फुटेज मिलती है तो वो लोग उसको लेके नहीं जाते हैं Adobe After Effects या प्रीमियर प्रो में, वो सब काम यहीं पर ही कर लेते हैं। मतलब कलर की एडजस्टमेंट करनी है, कलर की लगानी है, क्रोमा की लगाना है, हटाना है, जोड़ना है, घटाना है, मतलब सब कुछ यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे कलर एडजस्ट में जाओगे तो देखो आप कलर को कम ज़्यादा कर सकते हो, मतलब साफ़ करना चाहते हो, धुंधला करना चाहते हो, ब्लरनेस देना चाहते हो, सब यहीं पे हो जाता है। उन्हें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब जो भी कोई फुटेज चल रही फुटेज के साथ ही वो लोग छेड़खानी करते रहते हैं, उन्हें मतलब थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सॉफ्टवेयर इतना ज़्यादा कमाल का है। अब ये कलर व्यू के बारे में तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो लोग, जो लोग यूज़ करते हैं प्रीमियर प्रो या फिर इस तरीके का सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से आप कर सेटअप कर सकते हो अपना, जूम कितना रखना है, घटाना है, बढ़ाना है। और इसके अलावा आप मल्टी व्यू रख सकते हो, सिंगल रख सकते हो, 2 वीडियोस 3 वीडियोस जिस तरीके की भी आप रखना चाहो रख सकते हो। अब इसके नीचे वाले ऑप्शंस तो किसी भी काम के नहीं है, यहाँ पे एडवांस वाला एक शायद आपके काम का होगा, बट ये वाला भी हम लोग अभी यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग यूट्यूब स्ट्रीमिंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इसके साथ ही देखने को मिल जाएंगी सॉफ्टवेयर के, तो आपको किसी थर्ड पार्टी के साथ जाना नहीं पड़ेगा, मतलब कितना अच्छा सॉफ्टवेयर है ये वाला। अब ये क्विक प्ले और यहाँ पे कट फेड इफेक्ट्स, कुछ तरीके के इफेक्ट्स होते हैं जब हम लोग स्लाइड को चेंज करते हैं, वीडियो को चेंज करते हैं, तब यहाँ पे आप कुछ इफेक्ट्स लगा सकते हो। अब यहाँ पे ऑलरेडी कुछ दिखाए होते हैं कि मतलब इस तरीके का आप लगा लो, अगर आपके ये वाला नहीं लगाना चाहते हो तो मतलब कोई भी और भी लगा सकते हो। और इसके जो मीडिया वाले सबसे ज़्यादा इफेक्ट वाले करते हैं इस तरीके का, स्लाइड करें और वीडियो चेंज हो जाती है। अब इसके अलावा यहाँ पे आप कस्टम बना के भी अपना लगा सकते हो, मतलब जहाँ पे मर्ज लिखा है, क्रॉस व्यू लगा है, यहाँ पे ऑप्शन मल्टी देखने को मिल जाती है, तो वहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। तो अब हम लोग बात करते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ वाले फ्रेम में आप भाई 100 से ज़्यादा वीडियोस लगा सकते हो, चाहे 500 लगा दो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में आपके इसका ऑडियो मिक्सर मिल जाएगा, मतलब हर पर्टिकुलर वीडियोस की ऑडियोस को आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, किसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। फिल्टर्स देखने को मिलते हैं जो कि ऑडियो के लिए रिलेटेड होते हैं, जैसे कि हम बैकग्राउंड रिव्यू नॉइस को रिमूव करते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं इनपुट सेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल वीडियोस लगाने की ऑप्शन मिल जाएगी, आप काफ़ी ज़्यादा वीडियोस यहाँ पे लगा सकते हो। डीवीडी की बात करें तो जैसे कोई डीवीडी प्ले करनी होती है ना, तो हमें अलग से नहीं सॉफ्टवेयर से प्ले करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आप लगाओ चल जाएगा, मतलब अगर आपके पास डीवीडी राइटर है तो मतलब ये चीज़ें सॉफ्टवेयर की तरफ से प्रोवाइड होती हैं। लिस्ट आप बना सकते हो, कैमरास लगा सकते हो भाई, मल्टीपल कैमरास की सेटिंग आप कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है, NDI में आप किसी वीडियोस को प्ले कर सकते हो, अपना डेस्कटॉप शेयर कर सकते हो, मतलब जो भी आप करना चाहते हो। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊं तो आप देखो डिस्प्ले पर मैंने शेयर कर दी, यानी कि मेरा जो डेस्कटॉप है मैंने उसे शेयर किया है, उसके अलावा आप कुछ और भी शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, राइट क्लिक करके आप इसकी विंडोज़ को चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ब्रॉडकास्ट कर दिया, आप कोई अपनी विंडोज़ तो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, मैं आपको जस्ट टेस्टिंग दिखा रहा हूँ यहाँ पे।
ओके तो यहाँ पे आप इसे चेंज करोगे तो इसके अलावा भी आपको देखने को मिल जाएगी शो कर्सर हाइड वगैरह कर सकते हो वीमैक्स की, मतलब सिर्फ वीमैक्स दिखाना चाहते हो तो आप वो दिखा सकते हो, बाकी डिस्प्ले को हाइड कर सकते हो। विंडो एक्सप्लोरर जो कि मेरा अलग स्लाइड चले आप उसे ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, तो ये सब तो वैसे कोई नहीं करता बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें भी यहाँ पे हो जाती हैं बड़े आराम से। तो उसे मैं दोबारा करता हूँ, अब मेरी ये वाली वीडियो लाइव हो चुकी है, ठीक है। तो उसके अलावा मतलब और भी यहाँ पे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, हर वीडियो का आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे नीचे से। तो इसके अलावा अब हम कहाँ पे थे, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे NDI की, अब यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रीमिंग SRT की। तो इसमें आपका कोई भी इससे लेना देना नहीं है क्योंकि हम लोग हैं यूट्यूबर, ये सभी जो यूज़ होते हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ होते हैं सैटेलाइट वाले, तो ये हमारा काम नहीं है। अब इंस्टेंट रिप्लाई के लिए आपको ये 4 कैमरास लगा सकते हो जिनके लिए आपको रिक्वायर्ड स्पीड चाहिए वो 240 MBPS चाहिए जो कि काफ़ी फास्ट होती है। इमेज सिक्वेंसर लगा सकते हो, वीडियो को में डिले लगा सकते हो जो कि आप लोगों को पता ही बताने की जरूरत है नहीं, आप समझदार हो, इमेज लगा लो, फोटो लगा लो, पावर पॉइंट इनबिल्ट इसके अंदर लगा सकते हो अलग से, मतलब सॉफ्टवेयर से स्लाइड नहीं चलानी पड़ेगी, आप अपनी फाइल को यहीं पर रन कर सकते हो। कलर के बारे में तो आपको मैंने बता दिया, ऑडियो इनपुट के बारे में बता दिया, और यहाँ पे हम लोग बात करें सबसे अच्छी वाली चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी हेडलाइंस वगैरह के मतलब प्री इंस्टॉल्स जो होते हैं ना स्लाइड्स वो देखने को मिल जाएंगे, आपको अलग से बनाने नहीं पड़ेंगे, आप बनाना चाहो बना भी सकते हो। और जो नीचे स्क्रोल होते रहते स्क्रोलिंग टेक्स्ट वो भी आपको मिल जाएंगे, अगर आपका मैच चल रहा है तो स्कोरबोर्ड आप बना सकते हो यहाँ पे, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके का यह सॉफ्टवेयर है, बहुत से प्रोफेशनल्स इसे यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको इसी में से किसी एक का डेमो दिखाता हूँ और ये यूज़ कैसे करते हैं, इसको चेंज कैसे करते हैं मतलब न्यूज़ को। तो ये वाला हमारा हो गया, अब यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग की हेडलाइन में मतलब जल्दी सब्सक्राइब करो, यहाँ पे लिख देते हैं सब्सक्राइब करो, ओके। करने के बाद हम लोग इसे कर देते हैं लाइव पे और उसके बाद कर देते हैं ओके। अब देखो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना वन पे तो आ जाएगा आपका जल्दी सब्सक्राइब करो। अब जैसे अगर मान लो न्यूज़ आ गई जी, एक और रस्ते में एक एक्सीडेंट हो गया जी, आप उसकी न्यूज़ लगा दो, तो टाइटल एडिटर में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, मतलब यहाँ पे चेंज कर देंगे, हम लिख देंगे एक्सीडेंट और नीचे डाल देंगे हो गया, मतलब आप कुछ भी देख सकते हो, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। उसके बाद प्लस के निशान पे ओके करेंगे, हो गया पे क्लिक करके लाइव पे करेंगे, जब आपका ग्रीन हो जाएगा तो आप मतलब आपकी स्लाइड लाइव हो चुकी है, तो आप इसे चेंज कर सकते हो। एक्सीडेंट हो गया है, अब आप इसे जल्दी सब्सक्राइब करो यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसमें आप ट्रांजेक्शन भी लगा सकते हो, मतलब स्मूथ जाए, तेज जाए, भाग के जाए, दौड़ के जाए, जिस तरह का भी लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से वाला काम करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है, बहुत से न्यूज़ चैनल इसको यूज़ करते हैं, मतलब जो सस्ते वाले हैं वो इसे यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हमें यहाँ पे वर्चुअल सेट देखने को मिल जाता है, जो कि वर्चुअल सेट्स होते हैं, कोई सेट बनाना नहीं पड़ता, ऑलरेडी इनके अंदर बहुत सारे पहले से बने बनाए दिए होते हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आपको कैमरा शॉर्टकट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अगर मैं इसे दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये आपके कैमरामैन के फेस पे जूम करेगा, सॉरी जो एंकर रहेगा, उसके बाद ये थोड़ा सा बैक लेके जाएगा, बैक लेने के बाद यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पे कुछ और देखने, मतलब थोड़ा सा और बैक कर दिया, चौथे पे कुछ और आप सेटिंग कर सकते हो। आप इसको राइट क्लिक करके आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो, कितना जूम रखना है, कितना जूम कम करना है, कितना लेफ्ट करना है, कितना राइट करना है, रोटेट करना है, मतलब घुमा के कैमरा लेके जाते हैं वो भी आप इसमें लगा सकते हो। उसके बाद आप सेटअप पे क्लिक करो, सेटअप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे वीडियोस को लगा सकते हो, जैसे ब्लैंक में वन लिखा है ना, वहाँ पे आप वीडियो लगा सकते हो, स्क्रीन वन को सिलेक्ट किया हमने, और यहाँ पे हम जैसे वायरलेस वाली फर्स्ट वीडियो लगाना चाहते हैं, देखो मेरी वीडियो वहाँ पे सेटिंग हो गई। अब जो ए का निशान है वहाँ पे अपना जो एंकर होता है उसे बिठा सकते हो, पर उसे ग्रीन स्क्रीन में होना चाहिए, तो हमारे पास अभी ग्रीन स्क्रीन की कोई वीडियो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको लिखा करके दिखा देता हूँ, टैलेंट ए में और यहाँ पे हमने सेट किया, तो ये पूरा कवर कर रहा है, बट मेरी ग्रीन स्क्रीन की होती ना तो वहाँ पे मैं उसे एडजस्ट कर देता, तो भाई पूरा प्रोफेशनल लगता है न्यूज़ चैनल वाला। तो इस तरीके से आप कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, काफ़ी यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र के बारे में जानते हो, वीडियो कॉल वाला सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि जो बोलते नहीं कि हम संवाददाता को ले रहे हैं लाइन पे जी, वो जुड़ रहे हैं दिल्ली से और ये मुंबई से और फलाना ढिमकना, तो मतलब यहाँ से आप कॉल वगैरह कर सकते हो, सॉफ्टवेयर के अंदर ही ये वाला फीचर होता है, उसके बाद आप डायरेक्टली वहाँ से ऐड कर सकते हो वीडियो कॉल को, वीडियो कॉल में ऐड कर दो, कॉल है तो डिम्पल कॉल रखो, जिस तरह की आपने देखा होगा वहाँ पे, तो ठीक है आप इस तरीके से कर सकते हो। अब कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग की सेटिंग कर सकते हो, आपको इतने ज़्यादा डिफरेंट मतलब फॉर्मेट देखने को मिल जाएंगे जिनको आप रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। एक्सटेंड में आप आउटपुट्स के बारे में देख सकते हो, कहाँ कहाँ पे आपकी आउटपुट जा रही है, ये सभी तो हमारे काम का नहीं है क्योंकि हम लोग तो यूज़ करने वाले सिर्फ यूट्यूब के लिए, ये सभी ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ होते हैं। और आपको ओवरले का फीचर भी उसमें देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी कमाल का होता है। हम लोग बात करते हैं मेन हमारा स्ट्रीमिंग वाला, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो कस्टम RTMP वाला सर्वर, या फिर आप डायरेक्टली यूट्यूब वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। तो पहले मैं अपना यूट्यूब चैनल ओपन करता हूँ और यहाँ से स्ट्रीमिंग की को उठाता हूँ, फिर वहाँ पे लगाता हूँ तो आपको पता लगेगा, ठीक है जी। तो ये रही हमारी स्ट्रीमिंग की, और यहाँ पे हम लोग जाते हैं हमारी स्ट्रीमिंग की निकल के आएगी, तो ये रही हमारी स्ट्रीमिंग की, हम लोग सिंपल यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं
और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं स्ट्रीमिंग यूआरएल को लेते हैं और इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो ये करने के बाद आप यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो, किस फॉर्मेट में आप ब्रॉडकास्ट करना चाहते हो, मतलब वो आपको इंटरनेट स्पीड भी बता देगा, ऑडियो की स्पीड भी बता देगा। और उसके अलावा आपको यहाँ पे एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा FFmpeg यूज़ कर सकते हैं, FFmpeg 2 यूज़ कर सकते हो, जो लेटेस्ट वर्जन चल रहे हैं वो वाले यहाँ पे मिलेंगे आपको। 2 में आप लगा सकते हो, लाइक एक टाइम पे आप करना चाहते हो, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो तीनों एक साथ ही कर सकते हो। देखो ट्विटर पे हो सकते हो, फेसबुक पे हो सकते हो, यूट्यूब पे यहाँ पे डायरेक्टली आप कर सकते हो स्ट्रीमिंग की, पेस्ट करके लाइव हो जाओ। और यहाँ पे आप ऐड कर लो जी, फेसबुक कर लो या मतलब रीस्ट्रीम कर लो, जैसे भी आप करना चाहते हो डायरेक्टली कर सकते हो। बहुत ही अच्छा फीचर मुझे ये वाला लगा। उसके बाद सिंपल आप स्टार्ट वन पे करो, स्टार्ट वन आपका स्टार्ट हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये वाला देखो मेरा हो चुका है स्टार्ट। तो अब यहाँ पे मैं कुछ और स्टार्ट करता हूँ, फिलहाल यहाँ पे ये वाली वीडियो को लगाते हैं और उससे मैं करता हूँ ब्रॉडकास्ट इस तरीके से। तो ठीक है, एक्सीडेंट हो गया वाली न्यूज़ दे रहा हूँ मैं, असल में कुछ दे तो कुछ और रहा हूँ, बट आप समझ लेना कि मतलब आपको मैं डेमो किस तरह का दे रहा हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये वाली स्लाइड लगा दी है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ऑडियो को मैंने बंद कर दिया क्योंकि मुझे रिपीट सुनाई दे रही है। ओके, तो अब देखिए मेरा जो ब्रॉडकास्टिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, एक्सीडेंट हो चुका है। अब अगर माई चांस मुझे स्लाइड को चेंज करना हो कि एक्सीडेंट तो हो गया, चलो अब जल्दी सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, तो मैंने यहाँ पे जाकर स्लाइड को चेंज कर दिया। अब यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, अब इसके बाद यहाँ पे देखो स्लाइड चेंज हो गई, मतलब अगर ट्रांजिशन लगाओगे तो काफ़ी स्मूथली से वर्क करेगा। और मतलब इस तरीके से करते हैं, स्क्रोलिंग टेस्ट भी आप लगा सकते हो जिस तरीके का आप लगाना चाहते हो। तो इस तरीके से इसका मतलब चेंज करते हैं। उसके अलावा आप कोई और ये वाली लगाना चाहते हो स्लाइड, आप ये वाली यहाँ से चेंज कर सकते हो। और बीच में जो इफेक्ट्स होते हैं ना, जो मतलब ग्लोब घूमता है, वो आप वीडियोस फॉर्मेट लगा सकते हो, एनिमेशंस लगा सकते हो, वो सभी यहाँ से ऑपरेट हो जाता है। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है ये वाला। मास्टर वॉल्यूम्स को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, किस मतलब वीडियो की आवाज़ को कम ज़्यादा करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। इसमें फिल्टर्स लगा सकते हो, काफ़ी अच्छे फिल्टर्स आते हैं। तो अगर मैं पूरा बताने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, बट आपको ये वाला ज़्यादा पसंद आया होगा। इस तरीके से आप अपनी स्ट्रीम कर सकते हो, जब स्ट्रीम ख़त्म हो जाए तो एंड पे क्लिक करो, एंड स्ट्रीम करो, और मतलब आपका डन हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।